आपके स्टार्च ट्यूब, ये परफोरेटेड कैथोड है, छेद है इसमें, और ये एनोड है, बीच में गैस भरी हुई है, कोई सी भी गैस भरी हुई, गैस के नेचर पर फोकस मत करना, कोई गैस भरी हुई है। अब इसमें सेवरल थाउजेंड वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया, तो पोटेंशियल अप्लाई करते हुए एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो कैथोड में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उखड़ के निकलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उखड़ के निकलेंगे, अभी देखना इस विजुअल में इलेक्ट्रॉन उखड़ते हुए तुम्हें दिखाई देंगे कि यहाँ इस तरीके से इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इनको फोड़ा और खुद नेगेटिव चार्ज होने के कारण खुद तो पॉजिटिव एनोड में जाकर घुस गए, इनमें क्या बच गया, ये चार्ज हो गए, इलेक्ट्रॉन ने इनके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हिट करके, अपनी एनर्जी जो है वो दे करके। अब यहाँ कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज चीजें बचेंगी, देखो वो कहाँ घुस रही है, ये पॉजिटिव चार्ज छेद में से निकल रहा है और इस तरफ बढ़ रहा है, ये देखो। मैं फिर से इस एक्सपेरिमेंट को समझाऊंगी क्योंकि इसको आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किताबों में और नोट्स में तो आपने इसको इग्नोर ही करना है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड है, कैथोड में छेद है। अब आप इस पर जब बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन उखड़ते हैं, जैसे बहुत तूफान में गंजों की भीग उड़ जाती है, ऐसे ही बहुत तेज वोल्टेज अप्लाई करने पर इस कैथोड में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उखड़ते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन उखड़ते हैं, उखड़कर इस गैस से टकराते हैं, गैस न्यूट्रल है, गैस की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो जब इस गैस से ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो अपनी एनर्जी इनको देते हैं, ना केवल खुद वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं, खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, उसके अलावा इनके इलेक्ट्रॉन को भी उखाड़ के इधर लेके चले जा रहे हैं। अब इनके क्या बचा, ये देखो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के उधर ले गए तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ बढ़ता है, क्योंकि कैथोड तो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ बढ़ता है। छेद करने का क्या सिग्निफिकेंस है, हमने छेद कर दिया ताकि रास्ता नहीं रुके और हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सके, छेद से बाहर निकल गए वो। इनको क्या बोला गया, इनको एनोड रेज बोला गया, इनको एनोड रेज बोला गया, ये एनोड में से नहीं निकली हैं, इनका मूवमेंट ऐसा है कि ये एनोड टू कैथोड बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जब कैथोड से एनोड जा रही थी हम उसको कैथोड रेज बोला था।